सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नो हिवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका दोस्तों टेक्नो हिवा के एक और कमाल फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों मेरा नाम है अनिश, आप देख रहे हैं टेक्नो हिवा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला अपडेट दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी की ओर से। दोस्तों जी हाँ, ऑफिशियली A03S सैमसंग गैलेक्सी A03S दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, BIS लिस्टिंग में इसको हिंट किया गया है। दोस्तों जी हाँ, सैमसंग की ओर से इसको BIS लिस्टिंग में हिंट किया गया है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A03S जो कि इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है दोस्तों। और फोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा माना दोस्तों जिसमें इसका मॉडल नंबर माना जाता है दोस्तों SMA037FDS। जी हाँ, माना जाता है दोस्तों कि काफ़ी सारे और यूजर्स ने इसको ट्विटर पे ट्वीट किया है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले हो सकती है दोस्तों और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा हो सकता है और ट्रिपल रियर कैमरा हो सकता है और LED फ्लैश के साथ आ सकता है। दोस्तों ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं कह सकते दोस्तों, बट ये रेंडर सामने आया है दोस्तों कि जल्दी ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा अगला अपडेट दोस्तों LG की ओर से। दोस्तों LG ने अपने 2-tone फ्री TWS ईयरबड्स को लॉन्च किया है। जी हाँ, जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ में आ सकते हैं दोस्तों। ये इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों, बट माने तो दोस्तों ये US में लॉन्च हो सकता है दोस्तों। और इसके प्राइसिंग में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके अलावा इसके फीचर्स की अगर बात करूँ दोस्तों, तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ में आ सकता है। इसके अलावा 24 आवर्स की म्यूजिक प्लेबैक की बैटरी हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, कंपनी ने इस क्लेम किया है दोस्तों कि ये प्रॉमिस कर रही है कंपनी दोस्तों कि इसमें 24 आवर्स की आपको म्यूजिक प्लेबैक की सुविधा दी जा सकती है दोस्तों, जिसमें UV नैनो चार्जिंग केस आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा माने तो ये 8mm डायनामिक ड्राइवर के साथ सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके अलावा माने तो दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा आप फास्ट गूगल सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, जो आप पेयरिंग की बात करो दोस्तों तो फास्ट पेयर कर सकते हो, जिसमें इसमें गूगल का सपोर्ट मिलने वाला है। इसके बारे में इसकी प्राइसिंग में आपको बताऊँ, करीब करीब इंडिया में लॉन्च हो सकता है दोस्तों ये करीब करीब 18,000 के आसपास। अभी ऑफिशियली इंडिया लॉन्च के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, बट देखते हैं इसको ये इंडिया में कब और किस प्राइस पे लेके आता है दोस्तों। अगला अपडेट दोस्तों रिलायंस जियो की ओर से। दोस्तों जी हाँ, रिलायंस जियो की ओर से ऑफर्स आने वाले हैं दोस्तों, जो नाम है इमरजेंसी डेटा लोन पैक्स, जो कि 1 GB तक आने वाला है दोस्तों। मान लो आपका पैकेज में डेटा एग्जॉस्ट हो गया है दोस्तों और आपको और डेटा चाहिए इस दिन के लिए दोस्तों, जी हाँ, तो फिर आप इस ये पैक तो एक्टिवेट कर सकते हैं। जो एक्टिवेट कैसे रखें दोस्तों, इसको आपको तुरंत पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप उसका पेमेंट करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। तो ये ऑफ़र आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों माई जियो ऐप में मेनू में जाके आप इमरजेंसी मेनू में जाके दोस्तों लेफ्ट साइड पे होगा दोस्तों इमरजेंसी डेटा लोन, उसमें आप जाएंगे दोस्तों, तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, गेट इमरजेंसी डेटा ऑप्शन आएगा दोस्तों, जिसमें एक्टिव ना आपको क्लिक करेंगे तो आपका ये बेनिफिट्स चालू हो जाएगा दोस्तों। अगला अपडेट है दोस्तों वन प्लस की ओर से। जी हाँ, वन प्लस ने इंटीग्रेट किया दोस्तों ऑक्सीजन OS का जो कोड बेस था वो कलर OS के साथ शेयर किया है दोस्तों। जी हाँ, माना जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, कि वन प्लस और ओप्पो जो जिसका पेरेंट ब्रांड एक ही है दोस्तों, जी हाँ, तो ये पहले से ही माना जाता है दोस्तों कि ये मर्ज होने वाले हैं दोस्तों। तो ऑफिशियली ये अपडेट हो गया है दोस्तों कि वन प्लस इसके साथ अपने OS के ऑक्सीजन OS के डेटाबेस शेयर कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, कोड बेस शेयर कर रहा है दोस्तों, तो जल्दी अपने हमको ऐसा कोई फ़ोन देखने को मिल सकता है दोस्तों, जिसमें ये इसका दोनों का मिक्सर निकाल के एक नया ही पैटर्न तैयार करेगा दोस्तों। मेरे ख्याल से जल्दी ये फ़ोन लॉन्च होगा दोस्तों और इसमें अपने को ये फीचर्स देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद अगला अपडेट दोस्तों वन प्लस की ओर से। दोस्तों जी हाँ, वन प्लस ने अपने मेजर एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए OS अपडेट्स दिए हैं दोस्तों। जी हाँ, डिवाइसेस के लिस्ट दिए हैं दोस्तों, जो जिसमें वन प्लस 9 Pro, वन प्लस 9R, वन प्लस 9, वन प्लस 8T, वन प्लस 8 Pro एंड वन प्लस 8 विल गेट दीज अपडेट्स दोस्तों। जी हाँ, और ये 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स होगा दोस्तों। जी हाँ,
ऑफिशियली तरीके से अनाउंस किया है दोस्तों, जल्दी ये डिवाइस में आपको अपडेट मिलेगा दोस्तों। अगला अपडेट दोस्तों ट्विटर की ओर से दोस्तों। जी हाँ, ट्विटर अपने और एक नए फीचर्स पे वर्क कर रहा है दोस्तों। इंस्टाग्राम की तरह ये लोग ये ट्विटर ट्रस्टेड फ्रेंड्स का फीचर अब लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। इस पर वर्क कर रहा है दोस्तों ट्विटर। इसके बाद में आपको इसके बारे में आपको और बताऊं दोस्तों। तो ये ऐसा फीचर है दोस्तों जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों कि आपको अपना जो ट्वीट है वो किन किन स्पेसिफिक लोगों को दिखाना है दोस्तों। जी हाँ, जल्दी ये अपडेट आने वाला है दोस्तों, ट्विटर की ओर से कन्फर्मेशन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट दोस्तों फेसबुक की ओर से दोस्तों। जी हाँ, फेसबुक ने पहली मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट की माने दोस्तों तो फेसबुक जो है वो प्रोएक्टिव एक्शंस लेने वाला है दोस्तों। 1.8 मिलियन पीसेस ऑफ कंटेंट जो कंटेंट करते हैं दोस्तों एडल्ट न्यूडिटी सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसे जो कंटेंट है दोस्तों 1.8 मिलियन इसको इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 2.5 मिलियन पीसेस जो वायलेंट एंड ग्राफिक कंटेंट पे जो वायलेशन होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 25 मिलियन कंटेंट पीसेस है दोस्तों जो स्पैम को रखते हैं दोस्तों। तो इन सभी को मिला के दोस्तों फेसबुक जो है इस पे ऊपर एक्शन लेने वाला है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। फ्राइडे को ये रिपोर्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों, जो 15 May to 15 June तक ये इसके हिसाब से डेटा को लाया गया है दोस्तों। इसके बारे में आपको और बताऊँ दोस्तों, तो फेसबुक अभी एक्शन में आ गया है दोस्तों और काफ़ी सारे जो नेगेटिव जो पीसेस है कंटेंट में उसको हटाएगा दोस्तों। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपके पास कुछ सुझाव दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, स्टे सेफ दोस्तों।